साथियों, आज बात करेंगे प्रथम दृष्टया मामला या प्राइमा फेशे केस के ऊपर। यदि आप सब ने कभी ना कभी कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है या कभी ना कभी अखबार पढ़ी है या सोशल मीडिया में देखा होगा कि ऐसा लिखा होता है या ऐसा जानकारी में लाया जाता है कि कोर्ट ने फला फला मामले में फला फला को तलब किया। ये तलबी कैसे होती है, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। बट मुलजिम को तलब करने के लिए, हिंदी में कहेंगे मुलजिम को कोर्ट में बुलाने के लिए, एक प्रक्रिया और भी अपनाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्रथम दृष्टया मामला या प्राइमा फेशे केस। जब भी किसी मामले में आपके साथ कोई घटना घटी है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं कि आप पुलिस के पास जाएं या आप कोर्ट के पास जाएं। अगर पुलिस आपकी फरियाद नहीं सुनती है तो आप न्यायालय के पास जाते हैं और फरियाद करते हैं कि आपकी बात सुना जाए और जिसने आपके साथ गलत किया है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे दंडित किया जाए। साथियों, ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता है। वहाँ कोर्ट में आपको एक आवेदन देना होता है जिसे हम कहते हैं परिवाद। उस परिवाद के समर्थन में आपको वो फैक्ट्स बताने होते हैं जिसके जरिए कोर्ट ये कन्वेंस हो सके कि वास्तव में कोई क्राइम हुआ है या घटना घटी है या आपको रियल में कोई डैमेज जो है वो कॉज हुआ है। इसके साथ साथ आपको अपने परिवाद को सपोर्ट करने के लिए, उसे कॉरोबरेट करने के लिए कुछ एविडेंस भी देनी होती है जिसे हम कहते हैं कॉरोबरेटिंग एविडेंस या सपोर्टिंग एविडेंस। अब साथियों, वो एविडेंस भी फाइल पर आ गई है, आपका आवेदन भी फाइल पर आ गया है, आपके बयान भी फाइल पर आ गए हैं। अब कोर्ट को ये देखना है कि अगर ऐसी एविडेंस को प्रोसिक्यूशन के लिए भेजते हैं और डिफेंस भले नहीं आए या वो एविडेंस अनरिब्यूट रहे और अनरिब्यूट रहते हुए वो कन्विक्शन का आधार तैयार कर दे, तो ऐसी ही स्थिति को हम प्रथम दृष्टया मामला कहेंगे या प्राइमा फेशे केस कहेंगे। एक आसान शब्दों में यदि हम समझते हैं कि ए ने बी पर एक मामला दर्ज करवाया और ए का ये कहना है कि बी ने घर में आके चोरी करी और फला फला आर्टिकल को जो है वो चुरा लिया। अब यहाँ पर ट्रायल के अंदर ए को तीन बातें प्रूव करनी है, वो हम सब जानते हैं कि चोरी जो है वो बी ने करी है, फला फला आर्टिकल की करी है और फला फला स्थान से करी है। पर प्रथम दृष्टया स्थिति क्या है कि उसने कोई सीसीटीवी फुटेज रख दिया हो या कोई एंट्रेंस हुआ हो बी, उसका कोई एविडेंस रख दिया हो या आर्टिकल वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा हो इसका कोई एविडेंस रख दिया हो और ऐसे एलिगेशंस लगाए हों जहां कोर्ट को ये विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में बी ने जो है वो चोरी करी है। और अगर बी कोर्ट में आ भी जाता है और कोई जिरह नहीं करता है उसके बाद उस पर कन्विक्शन हो सकता है, तभी कोर्ट जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगा। उस अग्रिम कार्रवाई के आधार को हम प्रथम दृष्टया मामला या प्राइमा फेशे केस के नाम से जानते हैं। इसको हम और इजी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आप सब ने कैडबरी का ऐड देखा होगा और नहीं देखा तो उसको आज आप जरूर देख लें। एक महिला जो उल्टी खड़ी हुई है उसको हटाने का प्रयास किया जाता है और ये कहा जाता है कि बहन जी आप साइड हट जाइए। जब वो मुड़ती है तो मालूम पड़ता है कि वो महिला नहीं है, वह पुरुष है। पर प्रथम दृष्टया स्थिति क्या रहती कि वो एक महिला है पर वास्तव में वो क्या था, एक पुरुष था। तो साथियों, जब भी किसी केस को जज देखता है तो वहाँ पर डिफेंस काउंसिल या अपोजिट पार्टी जो है वो कोर्ट में नहीं होती है इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन कोर्ट में रखता है उसको बाय द वे ऑफ ओथ एग्जामिनेशन या बाय द वे ऑफ एफिडेविट जो है वो कोर्ट में रखता है और कोर्ट में ये विश्वास दिलाता है कि एविडेंस जो है वो पर्याप्त है, अगर इसको खंडित नहीं किया गया तो डेफिनेटली अपोजिट पार्टी का कन्विक्शन हो जाएगा और उससे डैमेज के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। ऐसे ही स्थिति को हम प्रथम दृष्टया मामला या प्रथम दृष्टया मामले की स्थिति कहते हैं। अब साथियों, हमें तीन इंपॉर्टेंट बातें इस बारे में और समझनी होगी कि प्रथम दृष्टया मामला एक लैटिन वर्ड है जिसका एक अभिप्राय ये भी है, फर्स्ट इंप्रेशन या पहला लुक। साथियों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोर्ट किसी मामले को देखता है तो प्रथम दृष्टया रूप से या प्रारंभिक रूप से कोर्ट को जैसी एविडेंस दिखती है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस एविडेंस पर रिलाई कर सकते हैं, इस एविडेंस पर रिलाई करके प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं और अगर एविडेंस खंडित नहीं होती है तो डेफिनेटली जिस पार्टी पर आरोप है उसको सजा होगी, तो वहां पर यह स्थिति प्रथम दृष्टया मामला कहलाएगी। साथियों, एक बात आप और समझ लें कि प्रथम दृष्टया मामला एक इनिशियल वर्ड है, ये ट्रायल के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। ट्रायल में अपोजिट पार्टी आकर स्थितियों को खंडित कर सकती है, कॉन्ट्ररी एविडेंस रख सकती है। अगर डिफेंस की एविडेंस में दम है, डिफेंस प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को खंडित कर पाता है तो डेफिनेटली वहाँ प्रोसिक्यूशन जो है वो खारिज होगा। तीसरी और आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, प्रथम दृष्टया मामला एक इनिशियल स्टेज के साथ साथ केवल उन मामलों तक कन्फाइंड है कि जहां पर कोर्ट को जो है वो नोटिस जारी करने होते हैं। यदि किसी मामले में कोर्ट को कोई नोटिस जारी नहीं करने हैं तो कोर्ट वहां ये जरूर लिखेगा कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और ये लिखते हुए परिवाद को खारिज कर देगा। तो साथियों, ये थी कानून की एक सामान्य जानकारी जो कि आम आदमी के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए और लिटिगेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो ये समझ सके कि प्रथम दृष्टया मामला क्या होता है और इस शब्दों वाली को कोर्ट जो है अपने आदेश में क्यों प्रयोग में लेता है। साथियों,
साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कर दें, इसे आप शेयर कर दें और मेरे YouTube चैनल सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज को आप सब्सक्राइब कर दें। आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।